हेलो दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर पर कोई भी एप्लीकेशन को अगर अपडेट करने जा रहे हैं, अगर कुछ इस तरह से प्रॉब्लम अगर आपके पास आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहे हैं, मैं आपको 3 या 4 टिप्स ऐसा बताऊंगा जो इस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। तो आप इस वीडियो में पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर में जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज का सेटिंग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपने लोगों पर जाइए, लोगों पर जैसे क्लिक कीजिएगा, लोगों पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन यहाँ पे देखिए नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पर आप जाइए। सेटिंग में जैसे जाइएगा, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क प्रीफ्रेंस, ठीक है, आप इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐप डाउनलोड प्रीफ्रेंस है, फिर यहाँ पे देखिए ऑटो अपडेट ऐप है, फिर ऑटो प्ले वीडियो है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, ऐप डाउनलोड प्रीफ्रेंस, तो आप इसमें जाइए, ऐप डाउनलोड प्रीफ्रेंस में जाइए और इसमें क्या लिखा हुआ है आप वो चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए ओवर एनी नेटवर्क लिखा हुआ है, ओवर वाईफाई नेटवर्क और यानी आस्क मी एवरी टाइम, ठीक, यहाँ पे लिखे हुआ है तो आपको यहीं पे टिक लगाना चाहिए, जहाँ पे लगा हुआ है मेरे में वहीं में आप भी लगा कर रखिए तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये पहला ट्रिक था, अगर हो सकता है आप में ये वाला ट्रिक लगा होगा तो ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो चलिए ये जो पहला जानकारी था वो मैं आपको दे दिया। दूसरा जानकारी की तरफ चलते हैं, तो दूसरा जानकारी यही है। तो सबसे पहले तो ऊपर से जैसे इसको डाटा को बंद कर दीजिए, यानी कि इसको फ्लाइट मोड में पहले कीजिए, फिर फ्लाइट मोड को इसको हटा दीजिए, फ्लाइट मोड को हटा दीजिए और उसके बाद जब फिर से नेटवर्क यहाँ पे ले लें तो उसके बाद इसको जाकर अपडेट कीजिए, दूसरा जानकारी था, ठीक है। अगर तब भी ये प्रॉब्लम नहीं होता है तो फिर आपको जाकर इसके सेटिंग में जाकर इसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये जो ये जानकारी था मैं आपको दे दिया हूँ कि जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं अपने मोबाइल में ला कर दिखा देता हूँ, जैसे कि आप फोटो देखे तो मेरे मोबाइल का था और यहाँ पर देखिए अपडेट अवेलेबल है, तो आप इस पर अपडेट ऑल करते हैं तो देखिए यहाँ पर अपडेट होना शुरू होता है कि नहीं होता है, वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको बताया वैसे वैसे आप भी कीजिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो देखिए यहाँ पे देखिए अपडेट होना शुरू हो गया है, यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको जो मैं तरीका बताया हूँ वो आपको काम जरूर करेगा। और आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी देना है या कुछ भी अगर पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा या आपको वीडियो के माध्यम से उस टॉपिक को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे चैनल को जाकर चेक कीजिए, मेरे चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल होगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो के साथ।